नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुझे आरएसएस ने असम के मंदिर में नहीं घुसने दिया, कहा राहुल गांधी ने। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि हाल की उनकी असम यात्रा के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बरपेटा में एक मंदिर में प्रवेश करने से रोका। राहुल ने कहा कि यह भाजपा की राजनीति का तरीका है जो अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था और आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोका। राहुल ने कहा कि उन्होंने महिला को मेरे सामने खड़ा कर दिया और कहा कि मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो मुझे रोकने वाले कौन होते हैं। गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने रविवार को आरोप लगाया था कि भाजपा और आरएसएस ने बारपेटा में राहुल को प्रवेश नहीं करने देने की साजिश रची है। भारत पाक वार्ता शांति और विकास का नया अध्याय, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा। भारत ने उम्मीद जताई कि समग्र द्विपक्षीय वार्ता के तहत पाकिस्तान के साथ बातचीत होने से क्षेत्र में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगातार दूरी क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए अड़चन है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी पाकिस्तान यात्रा और भारत पाक संबंधों के नवीनतम घटनाक्रम पर सोमवार को राज्यसभा में अपनी ओर से एक बयान दिया। सुषमा ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच पेरिस पर्यावरण सम्मेलन के दौरान यह चर्चा हुई थी कि दोनों देशों के बीच दोबारा किस तरह बातचीत का माहौल बनाया जा सकता है। सुषमा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक नए शीर्षक समग्र द्विपक्षीय वार्ता के तहत बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के विदेश सचिवों को इस नई वार्ता की रूपरेखा और सारणी तय करने का काम सौंपा गया है। अमेरिकी सेना में सिख सैनिक को दाढ़ी रखने और पगड़ी पहनने की अनुमति। अमेरिकी सेना ने लड़ाकू सैनिक के तौर पर तैनात एक सिख जवान को दुर्लभ अपवाद के तहत अस्थायी धार्मिक रियायत मिल गई है, जिसके तहत उसे दाढ़ी रखने और पगड़ी पहनने की अनुमति होगी। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के जरिए मिली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में कहा गया है कि कैप्टन सिमरत पाल सिंह को लगभग 10 साल पहले वेस्ट पॉइंट स्थित यूएस मिलिट्री एकेडमी में पहले दिन ही अपने बाल काटने पड़े थे, क्योंकि सेवा में जवानों को लंबे बाल या दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं थी। सिंह लड़ाकू इंजीनियरों के दल का नेतृत्व कर चुके हैं, जो कि अफगानिस्तान में सड़क किनारे लगे बमों को हटाता था। सिंह को ब्रॉन्ज स्टार से सम्मानित भी किया जा चुका है। जर्मनी में फेसबुक कार्यालयों पर हमले। जर्मनी के हैमबर्ग में 15-20 लोगों के एक समूह ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के कार्यालय पर हमले करके कांच तोड़ डाले, पेंट फेंके और प्रवेश द्वार पर स्प्रे पेंट से फेसबुक डिसलाइक लिख दिया। द गार्डियन ने सोमवार को पुलिस के हवाले से बताया कि उत्तरी जर्मनी के हैमबर्ग शहर में फेसबुक के कार्यालयों को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने काले कपड़े और हुड पहन रखे थे। गौरतलब है कि फेसबुक से नस्ली भेदभाव फैलाने और भाषणों को हटाने में विफल रहने को लेकर इसके यूरोपीय प्रमुख के खिलाफ जर्मनी में जांच चल रही है। जर्मनी के नेता और अन्य लोगों ने फेसबुक पर तेजी से बढ़ रही नस्ली टिप्पणियों को कर चिंता जताई है। नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने किए बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। रामदेव मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि जसोदाबेन ने रविवार को दूज के अवसर पर समाधि के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। शर्मा ने उन्हें मंदिर समिति की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया। बाबा रामदेव जी की दूज के अवसर पर पूरा रामदेवरा गुजरात में दिखा। जसोदाबेन ने पोखरण पहुंच बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज की भी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पोखरण फोर्ट का अवलोकन भी किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।